Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the video session of Kentep Publisher. For today's lesson, the resources you need is textbook grade 1, class 1, chapter 3, lecture number 4, Black Cat, Tan Cat. Today is the last lesson for the unit. Unit 3, Black Cat, Tan Cat. By the end of the lesson, the student will be able to offer and respond to basic routine greetings, yani rozmarra ki khushamadeed aur mel jhul ko respond karne ka tarika, yani uske jawab dene ka tarika kaise hai. Aaj ka class task summer pack ke page number 25 pe hai. Question number 3 says, listen to the routine greetings and respond accordingly. रोज़मर्रा हम जब दूसरों से मिलते हैं तो उनसे हमें कैसे मुखातिब करना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए और उनके कही हुई बात का जवाब किस तरह देना चाहिए, ये आज हमारा SLO है. और इस तस्वीर में अगर आप देखें तो दो बच्चे आपस में हाथ मिला रहे हैं, इसका मतलब है एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं. सो पहला रिस्पॉन्स, अस्सलामु अलैकुम. हम मुसलमान हैं बच्चों, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? वालेकुम अस्सलाम. और इस लाइन के ऊपर आप अपना जवाब लिख देंगे, वालेकुम अस्सलाम. गुड मॉर्निंग का जवाब भी गुड मॉर्निंग ही होगा, क्योंकि आप उसको एक अच्छे दिन की दुआ दे रहे हैं. How are you? आप कैसे हैं? I am fine. Alhamdulillah. I am fine. Alhamdulillah. जब भी किसी से मिले तो सबसे पहले उनको सलाम करें, उनको दिन का जौन सा हिस्सा है उस पर उनको खुशामदीद कहें. अगर गुड मॉर्निंग है, दिन का टाइम है तो मॉर्निंग कहें, दोपहर का टाइम है तो नून कहें, शाम का टाइम है तो आफ्टरनून या इवनिंग कह सकते हैं और सोने से पहले गुड नाइट कह सकते हैं. लेकिन सबसे पहले सलाम करना और सलाम का जवाब देना सुन्नत मोहम्मदी है, इसको हमने लाजमी फॉलो करना है. उसके बाद आप पूछें आपका क्या हाल है या आपकी तबीयत कैसी है या आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उसका जवाब होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से मैं ठीक हूँ. आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम डूइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह. और इस तरह अगली बात को शुरू कीजिए. होम टास्क, टेक्स्ट बुक के पेज 18 पे आपका होम टास्क है, पेज नंबर 18. एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं. राइट द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द गिवन कॉलम्स. ये कुछ लिस्ट है फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, इनको मिक्स किया हुआ है, शफल किया हुआ है. आपने उनको एक एक करके पढ़ के उनका नाम, फ्रूट को फ्रूट में लिखना है और वेजिटेबल को वेजिटेबल में लिखना है. एक मैं आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ और बाकी को आप आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ के खुद से कोशिश कीजिए. सबसे पहले है पोटैटो, आलू, ग्रेप अंगूर, एप्पल सेब, कैबेज गोभी, ऑरेंज माल्टा, अनियन प्याज, गार्लिक लहसुन, स्पिनच साग, बनाना केले, मैंगो आम. अब इसमें से मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगो, और ये फल है तो इसको मैं फ्रूट में लिखूंगी. और इस दी हुई लिस्ट में मेरी फेवरेट वेजिटेबल है स्पिनच साग, तो मैंने इसको यहां पे लिख दिया. अब बाकी के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पढ़ के आपने उनको यहां पे स्पेसेस में फोर लाइन की मदद से लिखना है. ये आपका होमवर्क है, उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे.
आज हमने यूनिट 3 कंप्लीट कर लिया है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह अगली यूनिट के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।